नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रेशर कन्वर्सन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे एटीएम से किलो पास्कल, पीएसआई, केजी और बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे और केपीए, पीएसआई, केजी और बार से एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों प्रेशर कन्वर्सन के लिए मैं सिर्फ इसका फैक्टर बताऊंगा, उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एक प्रेशर यूनिट से दूसरे प्रेशर यूनिट में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों प्रेशर कन्वर्सन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूं। इस दोनों वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों एटीएम प्रेशर की एक इकाई है, एक यूनिट है। तो दोस्तों चलिए कन्वर्ट करते हैं एटीएम से किलो पास्कल में, पीएसआई, केजी और बार में। तो दोस्तों सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे एटीएम से किलो पास्कल में। तो सबसे पहले हम प्रेशर ले लेते हैं। हम प्रेशर ले रहे हैं 5, यानी 5 एटीएम प्रेशर ले रहे हैं। उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 101.325। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 5 एटीएम प्रेशर का 506.625 किलो पास्कल प्रेशर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों एटीएम से पीएसआई में, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच में। दोस्तों सबसे पहले हम प्रेशर ले लेते हैं, 50 एटीएम प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 14.6959। तो हमें ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा 14.6959। अगर हम एटीएम से पीएसआई में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 734.795 ये पीएसआई प्रेशर हुआ। अब हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों एटीएम से केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम प्रेशर ले रहे हैं, हम 50 एटीएम प्रेशर ले रहे हैं। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 1.03322। तो हमें ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा 1.03322। तो यहाँ देख सकते हैं कि 51.661 ये केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में प्रेशर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम कन्वर्ट करेंगे एटीएम से बार में। तो सबसे पहले हम प्रेशर ले रहे हैं, हम 60 प्रेशर ले रहे हैं, 60 एटीएम प्रेशर। उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 1.01325 में। तो हमें ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा 1.01325। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 60.795 ये बार में प्रेशर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसी को हम उल्टा करेंगे, यानी हम किलो पास्कल, पीएसआई, केजी और बार से हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम किलो पास्कल से एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। हम प्रेशर ले रहे हैं 200 किलो पास्कल। उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 0.00986923। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो एटीएम में प्रेशर हुआ 1.9738 ये एटीएम में प्रेशर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम कन्वर्ट करेंगे पीएसआई से एटीएम में। तो हम प्रेशर ले रहे हैं, पीएसआई में प्रेशर लेंगे 250 पीएसआई। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.06804569 64। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 17.011 एटीएम प्रेशर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम कन्वर्ट करेंगे केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी केजी से एटीएम में। तो सबसे पहले हम प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर हम 250 लेंगे। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.96784115। तो यहाँ देख सकते हैं कि 241.96 ये एटीएम प्रेशर हुआ। नेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं बार में, यानी बार से एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर ले रहे हैं 300 बार। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 0.98692326 7 में। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 296.076 ये एटीएम प्रेशर हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस फैक्टर को आप याद करके बड़ी आसानी से आप एटीएम से किलो पास्कल, पीएसआई, केजी, बार में कन्वर्ट कर सकते हैं और किलो पास्कल, पीएसआई, केजी और बार से एटीएम में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।